तो बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने भी एसएससी जीडी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एस्पिरेंट हैं। 12 अगस्त को फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद मेडिकल टेस्ट के डेट्स की घोषणा होने लगी। कई यूट्यूब चैनल से आपने देखा भी होगा लगातार कि कई सारी डेट्स अनाउंस कर दी गई, कई सारे नोटिस भी वायरल हो गए जिनमें कई सारे डेट्स बताए गए। सबसे पहली घोषणा 26 अगस्त की हुई। न्यूज़ फैलाया गया कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो 26 अगस्त को होने वाला है, पर कुछ भी नहीं हुआ, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट आई और ना ही मेडिकल हुआ। अब फिर से 26 अगस्त की डेट वायरल हो रही है एसएससी जीडी के मेडिकल के लिए, और फिर से 3 नोटिसेस वायरल हो रहे हैं जिसमें मेंशन है कि जो मेडिकल टेस्ट 26 अगस्त को शेड्यूल था अब वो 12 सितंबर को होने वाला है। बहुत से लोग इस नोटिस को सच बता रहे हैं, वहीं बहुत से इसे फेक भी बता रहे हैं। अगर बात ऑफिशियल वेबसाइट की करें तो वहाँ पर इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट नहीं है। अगर मेडिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड की बात करें तो मेडिकल टेस्ट शेड्यूल से हमेशा 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपके इशू हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें 12 सितंबर की डेट को, तो अगर 1 से 2 दिन के अंदर इसके एडमिट कार्ड वेबसाइट पे इशू हो जाते हैं तो मतलब है कि आपका मेडिकल शेड्यूल हो चुका है। बट नहीं अपडेट होता है तो मैं कहना चाहता हूँ खुल के कि अभी मेडिकल टेस्ट के लिए बच्चे आपके टाइम है, और आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका शेड्यूल होगा आपको बढ़िया से जाना है और अपना अच्छे से मेडिकल देना है बिना किसी टेंशन के। मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा कि ये बहुत सारी अफवाहों से दूर रहें। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आती है बच्चा, तब तक किसी भी अपडेट को आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में आप योद्धा हैं, आपने एक लंबी जर्नी तय की है, मैं समझ सकता हूँ। अगले फॉर्म का भी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल अगला फॉर्म भी टाइम से दिसंबर में आने वाला है। उससे पहले सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके, मेडिकल डन करके, और फाइनली आपको एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा दिया जाएगा। तो इस समय मैं यही कहना चाहता हूं कि ये समय है खुद को फिजिकली और मेंटली अपडेट रखने का, फिट रखने का और रिलैक्स रखने का। और किसी भी तरह का मेडिकल से रिलेटेड कन्फ्यूजन एंड डाउट है तो बिल्कुल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पर आइए। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का नंबर और उसका व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दिया जा रहा है। यहाँ पर पहुँचिए, कंप्लीट मेडिकल प्रक्रिया से गुजरिए। देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है जहाँ आप आकर के पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक एक एक चीज़ का पूरा एनालिसिस, दैट मीन आपके डेंटल एक्सपर्ट अलग, ENT के अलग, आई के अलग, आपके आर्थो के पूरे एक्सपर्ट्स अलग, फिजिशियन अलग, पैथोलॉजी अलग, EEG अलग, हर सेगमेंट पूरा का पूरा आपको मिलेगा, जहां आपकी एक रियल टेस्टिंग से आपको गुजरने का मौका मिलेगा जो आपको मदद करेगा आपके रियल मेडिकल टेस्ट के लिए। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं सारे बच्चों को जिनका SSC GD सपना है, बिल्कुल फॉर्म दिसंबर में घोषित होने जा रहा है बेटा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये सही समय है अपने आप को प्रिपरेशन में लगाने का। और मेजर कल्सी प्राउडली ये बात कहना चाहता है कि हमने जबरदस्त बैचेस लॉन्च कर दिए हैं एसएससी जीडी के लिए, ऑफलाइन बैचेस जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं और जम के रियल तैयारी से गुजर सकते हैं। फिजिकल भी कराएंगे, रिटर्न भी कराएंगे, मेडिकल भी कराएंगे, और 100% आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस BSF CRPF ITB BSSB NIA SSF और असम राइफल ज्वाइन करने का सपना पूरा कराएंगे। तो किसी और क्वारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696230033 पर, और हमारी वेबसाइट तो आप विजिट कर ही सकते हैं www.majorkalsiclasses.com पर। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा, अफवाह से बचें, मेंटली फिजिकली खुद को बच्चा फिट रखें इस समय, और कोई भी कन्फ्यूजन हो हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बने, और जितने तैयारी वाले बच्चे हैं जम के MKC का हिस्सा बनकर इस बार SSC GD में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। तो बैक पैक करें एंड वेलकम टू MKC। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।